दोस्तों, अगर आप भी पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए अपने फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद आपने मतलब आगे प्रोफाइल को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब पहला पेज ओपन होता है वहाँ पर कुछ लोडिंग वगैरह चलती है, लेकिन आपके सामने आपने जो पहले डिटेल्स फिल कर दी थी वो शो नहीं हो रही है, वहाँ पर सभी डिटेल्स ब्लैंक आ रही है, ना ही वहाँ पर फिल करने के ऑप्शन आ रहे हैं, या फिर फिल करने के ऑप्शन भी आ रहे हैं तो आप सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर दे रहा है या फिर आपका फॉर्म आगे सबमिट नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों प्रोसेस है, यानी कि बिल्कुल आराम से आप इसको सॉल्यूशन वगैरह निकाल सकते हैं मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा, और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब सबसे पहले जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, मैं उसी पेज पर आ गया हूं जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल होकर आ जाएंगे काफी कुछ, जैसे कि यहां पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है, नाम वगैरह फिल है जो मैंने आगे फिल किया था, डेट ऑफ बर्थ फिल है, ये सभी पहले से फिल होके आएंगे, बस आपकी मैरिटल स्टेटस, आपके माताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम ये फिल कर नहीं आएगा, और नीचे का ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह फिल होकर नहीं आएगा, बाकी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल होकर आ जाएंगे। अब कई बार कई कैंडिडेट के सामने ये सभी ब्लैंक आ रहे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर वगैरह दे रहा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसमें इनकॉग्निटो विंडो का ऑप्शन आता है, इसमें राइट साइड में जो तीन बिंदियां ऊपर की साइड नजर आ रही हैं, आप मोबाइल में भी अगर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में भी ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जब आप वहां पर साइड में जाकर क्लिक करेंगे नए टैब ओपन करने के लिए तो वहां पर लिखा हुआ है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, चाहे आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो, चाहे आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर आता है उसको यूज कर रहे हो, या फिर मोबाइल में भी कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहे हो, तो सभी में ये वाले ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको वही साइड ओपन करनी है जो आप वहां पर कर रहे थे, यानी कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल वाली, तो यहाँ पर हमने वही लिंक ओपन कर लिया, इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद वापस से उसी ऑप्शन पर आप आ जाएंगे, यानी तो यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया था तो यहाँ पर शो हो रहा है, अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपके सामने कुछ लोडिंग वगैरह चलेगी कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके की लोडिंग वगैरह चलेगी। कभी कभार दोस्तों ये हो सकता है ये लोड नहीं हो पाए सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पर सभी डिटेल्स वगैरह ब्लैंक शो होती हैं, जैसे यहाँ पर सभी डिटेल्स मेरी शो होने लगे हैं, अभी तो सर्वर सही चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है जब आप इसको ट्राई कर रहे हैं तो सर्वर सही नहीं चल रहे हो, तो आप एक काम और कर सकते हैं, सबसे पहले तो इनकॉग्निटो विंडो में इसको ओपन कर लीजिए, इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिले तो आप F5 बटन को प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में, जैसे कि मैं यहाँ पर F5 बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने दोबारा से लोडिंग चलने लगेगी। फिर भी ये सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो आप इस F5 वाली प्रोसेस को 4-5 बार यूज कर सकते हैं, मतलब कि 5-10 बार आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, F5 बटन का यूज यही होता है, आप पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर जब आप F5 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर बोलता है भैया आप अपने पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए, आपका पेज दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा, और मोबाइल में भी रिफ्रेश का आपको ऑप्शन देखने नहीं मिल जाता, या फिर आप रीलोड कर सकते हैं दोबारा से पेज को तो लोडिंग वगैरह कुछ चलेगी, उसके बाद ये पेज पूरा आपका दोबारा से रीलोड हो जाएगा, तो हो सकता है आपके सामने जो आपके मतलब प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, जो डिटेल्स वगैरह ब्लैंक आ रही हैं वो पूरी फिल होकर आने लगे हैं। सॉल्यूशन बस यही है दोस्तों, अगर सर्वर पर ज़्यादा लोड होगा तो यहाँ पर ये डिटेल्स वगैरह ब्लैंक होकर आती हैं, यही सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं, ऐसे कई सारे इसी वेबसाइट के थ्रू फॉर्म निकलते हैं तो वहाँ पर भी यही समस्या आती है लोगों के साथ, और मैंने भी कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस इसी तरीके से निकाला है, बार बार मैं पेज को रिफ्रेश करता रहता हूँ और डिटेल्स तो होने लगती हैं, जैसे मैं डिटेल्स को फिल करके सबमिट कर देता हूँ तुरंत ही, तो ये वाला जो प्रॉब्लम वगैरह मेरे सामने आ रही होती है उसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड तो यही जानकारी थी, अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दोस्तों अगर आप इसमें फोटो सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें अपलोड करनी, कैसे इसका साइज वगैरह सेट करना है, तो इसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डिटेल में सभी चीज़ें कवर कर रखी हैं।